अस्सलाम वालेकुम, मैं शबाना आप सभी का वेलकम करती हूँ गौसुल किचन में। मैं आज बना रही हूँ बॉम्बे का फेमस ईरानी कीमा, जो जिसके लिए मैंने एक चम्मच धनिया ली हूँ, अक्खी धनिया एक फुल, एक बड़ी इलायची लेंगे और एक दालचीनी का टुकड़ा। इसको हल्की आँच के ऊपर मैं इसको थोड़ा गर्म कर दूँगी, इसकी खुशबू थोड़ी आने लगे। एकदम जलाना नहीं है, हल्का सा गर्म करना है इसे। और ये कीमा बहुत फेमस है, बम्बई में बहुत खाया जाता है होटलों में, तो आज हम घर में बनाएंगे और देखेंगे ये कैसे बनता है। तो हमारा ये अभी गर्म हो चुका है, तो इसको मैं पीस लूँगी बारीक। अभी ये मेरा मसाला पीस के तैयार है। अभी इसी के साथ मैं हरा मसाला जो हमें लगने वाला है वो भी मैं इसी के साथ अभी पीस के ले लूँगी। जिसके लिए मैं लूँगी 2 मिर्ची लूँगी और कोथमीर भी अच्छी खासी लेंगे, क्योंकि इसमें हमको कोथमीर ज़्यादा चाहिए, इसमें कोथमीर ज़्यादा जाएगी। कोथमीर से ही हमारे ईरानी कीमे में कलर आएगा। तो ये देखो अभी मसाला भी मैंने पीस के ले ली हूँ, एकदम अच्छे से एकदम ऐसा बारीक पीस लेंगे। फिर अभी इसको भी एक बाजू में रख दूँगी और एक बाजू मैंने अभी तेल गरम को रख दी हूँ। तो अब मेरा तेल गरम हो चुका है और अब मैं इसमें डालूँगी बारीक चॉप किया हुआ प्याज। उसको बारीक बारीक चॉप कर लेना है। और ये 3 प्याज है मीडियम साइज़ के, कीमे के हिसाब से हम लोग इसमें प्याज डालेंगे, जितना हमारा कीमा है उसके हिसाब से इसमें प्याज डालेगा। 1.5 किलो कीमा ली हूँ, इसके लिए मैंने मेरे हिसाब से 3 प्याज मुझे इनफ था, इसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने ले चुकी हूँ। उसे अभी ब्राउन कर लेंगे। हाँ, इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि थोड़ी उसके अंदर जो तरी होती है ना, उसके कारण ये इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो अभी देखो कांदा मैंने लाल नहीं करी, क्योंकि अपने को कांदा लाल नहीं करना है। कांदा देखो ये स्टेज पे रहना चाहिए, कच्चा पक्का बस उसकी खाली दूर हो जाए, फिर उसमें मैं कीमा ऐड कर दूँगी, ताकि कीमा अपना थोड़ा सा कलर चेंज कर ले। इसको अच्छे से हिला लेंगे, इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा ना, फिर इसमें हम लोग ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट में मेरा 1.5 किलो कीमा है, उसके हिसाब से मैं अभी ये आधा चम्मच ही लूँगी। उसको अच्छे से हम लोग मिला लेंगे। सब प्रोसेसर है ना, इसके साथ ही चालू रखना है, मसाला डालना जो भी है, क्योंकि उसके साथ साथ में ये पकते जाएगा, क्योंकि इसमें टमाटर वगैरह नहीं गिरेगा। तो ये अभी देखो इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ी सी हल्दी, हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। ये हल्दी भी इसमें चली गई, थोड़ी सी हल्दी डाली हूँ मैंने, क्योंकि मुझे ये पीला नहीं चाहिए, क्योंकि वो ग्रीन कलर बनना चाहिए। तो अब ये हल्दी के बाद में ये जो हम लोग ने ग्रीन पेस्ट पीस के रखे थे, कोथमीर और मिर्ची का पेस्ट जो मैंने पीस के रखी थी, वो इसमें चले जाएगा। इसको हिला लेंगे अच्छे से। माशाल्लाह देखो इसको कितना अच्छा लग रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है। यही प्रोसेसर हमें ऐसे ही मिक्स करते जाना है, इसी के साथ में मसाले भी भूनते जाएंगे और हमारा कीमा भी रेडी होते जाएगा। अब इसके अंदर जाएगा दही, तो मैंने ये तकरीबन आधी प्याली दही की है तकरीबन, उसको मैंने अच्छे से फेंट ली थी और उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। तो अभी देखो अभी ये इसको अच्छे से मैंने हिला के ले ली, अभी तक का इसमें पानी ऐड नहीं हुआ है। देखो मैंने अभी तक का इसमें ध्यान दो कि इसमें अभी तक का मैंने पानी भी ऐड नहीं करा। अभी इसी के साथ में मैं डाल दूँगी थोड़े से मटर। आपने देखे है ना, बाहर ईरानी कीमा जो मिलता है होटलों में, उसमें हल्का सा मटर ज़रूर होता है। और इसका देखो कलर भी माशाल्लाह, इसके जैसे बाहर जैसा ईरानी कीमा मिलता है, वैसे ही इसमें कलर आ गया है हमारा कीमे में। अब इसमें डालूँगी मैं इसके टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और इसको अच्छे से मिला लूँगी। इसके साथ साथ में ही हमारा वटाना भी इसमें ही गल जाएगा। अब इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने अक्खा धनिया और अक्खा गरम मसाला जो हम लोग ने पीस के रखे थे, वो इसमें चले जाएगा पूरा, जितना पीसे थे उतना पूरा इसके अंदर हम डाल देंगे। ये देखो ये पकते भी जा रहा है। हाँ, अब इसमें जाएगा जीरा पाउडर,
इसमें मैं देखो ये इतना एक चम्मच के तकरीबन मैं ये जीरा पाउडर भी डाल दूँगी। एक चम्मच जीरा पाउडर चले जाएगा इसमें और इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत बहुत अच्छी खुशबू इसकी आ रही है। और इसको देखो जैसे बाहर का जो कलर रहता है, बाहर का जैसा टेस्ट है, वो भी इसमें माशाल्लाह से आ जाएगा। इसमें तरी देखो कितनी अच्छी छुपी है। इसमें अक्खी हरी मिर्ची भी जाएगी और इसको अच्छे से हिला के मैं इसको अभी मटर गलने तक का ढक के रख दूँगी बारीक आंच। तो ये हमारा कीमा भी अभी हो चुका है रेडी। अभी इसके अंदर मैं थोड़ा सा कोथमीर ऐड करूँगी और ये हो चुका है डन। अभी इसका गैस बंद कर देंगे हम और सर्व कर लेंगे। तो ये थी हमारी बम्बई की फेमस ईरानी कीमे की रेसिपी। अब रमज़ान भी हमारा आने वाला है, तो दोस्तों आप ये रमज़ान में सहरी के लिए आप ये कीमा बना के ज़रूर इन्जॉय कीजिए। तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको रमज़ान स्पेशल कौन सी रेसिपी मेरी देखनी है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह रमज़ान के लिए मैं और भी रेसिपी आपके लिए लाते रहूँगी। ये थी मेरी रमज़ान स्पेशल रेसिपी ईरानी कीमे की रेसिपी। मैं तो इंजॉय कर रही हूँ इसे पाव के साथ। आप भी इंजॉय कीजिए और अपना ख्याल रखिए।